तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज के साथ में। फाइनली हमारे घर का आज फर्स्ट लेंटर लगने वाला है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं हम। माता रानी को प्रणाम कर दिया है, अब चलते हैं। चलो तो गाइस काम तो बहुत तेज चल रहा है, देखो बहुत ज्यादा शोर भी हो रहा है यहाँ पे। इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे, इतने सारे लोग यहाँ पे, दो मशीनें लगी हुई हैं। गाइस पता नहीं क्यों जब भी नया घर बनते हुए देखता हूँ अपना, बिलीव ही नहीं होता कि हमारा बन रहा है। मतलब एकदम खो जाता हूँ देखते, ऐसा लगता है किसी और का बन रहा है, और एकदम मतलब इमोशनल हो जाता हूँ जब भी सोचता हूँ कि यार सच में हमारा देखा, ऐसे कोई सपना तो देख रहा मैं, ऐसा लगता है। तो हाँ, क्योंकि कभी सोचा भी था। तो आप लोग वैसे गाइस आप लोग नहीं होते ना, एक एक लोग जो भी लोग मुझे डेली देखते हैं ना, अगर आप लोग नहीं होते तो नहीं हो पाता। तो फुल क्रेडिट टू यू गाइस पीयूष की वजह से। जरूर, मैं यहाँ ईंटें लगा रहा हूँ ना। देखो काफी लोग बोलते हैं कि पीयूष की वजह से चैनल चलता है, पीयूष की वजह से वीडियो चलती है। पीयूष की लाइफ भी तो सुधरी है ना, पीयूष अच्छे स्कूल में जाने लगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने लिए सब कुछ करता हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ लेता हूँ, मैं तो पूरी फैमिली के लिए, पीयूष के लिए, कुनाली के लिए। तो अगर पीयूष की वजह से चल भी रहा है तो पीयूष के लिए बढ़िया है, कुनाली के लिए बढ़िया है, पूरी फैमिली के लिए बढ़िया है। ऐसे नहीं कि ओनली मैं ही मजे लेते रहता हूँ, मैं ही घूमता रहता हूँ, मैं पूरी फैमिली से अलग रहता हूँ। और अब पीयूष में काफी बदलाव आ चुके हैं, इसके पुराने ब्लॉग देखना कैसी हरकतें करता था, अब थोड़ा बहुत मैच्योर हो रहा है, सीख रहा है, बड़ा हो गया। मतलब एक डेढ़ साल ही हुआ है। तो मतलब जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको ब्लॉग बनाना है ऐसी पीयूष की तरह, अगर आप छोटे हो तो बना सकते हो। ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं कर सकते भाई, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं, जैसे पीयूष ने अपनी लाइफ बदली है। आज सेम साड़ी क्यों डाली आपने? व्रत है हमारा। अच्छा व्रत है, और वो है व्रत नहीं होता, व्रत होता है। व्रत भी है और पार्थिव पूजा है ना, पूजा दी गई वहाँ। अच्छा तो जा रहे हो, थार में चलोगे फॉर्चूनर में चलोगे? गाइस हमारा तिरंगा देखो कितना मस्त लहरा रहा है, इसको देख के अलग ही फीलिंग आती है यार। जब भी ये ढोलक लेके कहाँ जा रहे हो? ढोलक मंगा रहे हैं ना उसने, शाम को आएगा ना वहाँ। हैं? कितने बजे आएगा? मेरे को भी आना है, खाना वही तो है हमारा। अच्छा खाना वही है आज? हाँ। कुनाल आप भी जा रहे हो? ठीक है, मैं फोन करूंगी तब आ जाना। यार कितना अच्छा लग रहा है यार, सोसाइटी में हर घर पे लगा हुआ है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर घर तिरंगा, लेकिन हमारा वाला सबसे बड़ा है। देखो मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना उसमें, इतना इतना मस्त प्राउड, इतना मस्त लगता है इसको देख के। चलो बैठो गाड़ी में बैठो। बास आ रही गाइस, देख लो मम्मी मतलब फॉर्च्यूनर बैठ गई, बास आ रही है। अरे इनकी आती है ना ये नई गाड़ी यार, ये तो। कुनाली आप भी करोगे सत्संग? नहीं बैठे रहूंगा। कि बैठे क्या करोगे वहाँ? क्या करोगे बैठ के? एक काम करना, राधे राधे बोलते रहना, जितना जितना नाम जप करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? कितनी बार बोलोगे बताओ? सादा मैं बोल दे लूंगा लेकिन काउंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा काउंट करना नहीं आता, कितने तक आता काउंट करना? कितने तक आता है? 100 के आगे नहीं आता। 100 तक आता है? तो एक काम करना, राधे राधे 100 बार बोलना, उसके बाद दोबारा एक से स्टार्ट कर देना, तो वो काउंट कर लेना कि आप 100 बार राधे राधे बोल लेना। ओके डन, चले फिर। अब मैं कह रहा था बिलीव ही नहीं हो रहा हमारा घर बन रहा है, ऐसा लग रहा है किसी और का बन रहा है, देख के लग नहीं रहा वहाँ पे। अंकल जी केले दो दर्जन। भैया अच्छे केले देना, खुले पैसे है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमस्ते नमस्ते। अच्छा आपको बाबा लगा? हाँ। नमः शिवाय ओम नमः। जिया जी बैठे हैं, पूजा जी बैठी हैं। अच्छा ये भोले बाबा हैं? हाँ, ये पूरा दरबार शिव पंचायत बनी है, गणेश जी समेत पूरी शिव पंचायत है। अच्छा, और इसमें 108 शिवलिंग रखे हुए हैं। 108 शिवलिंग? हाँ 108, ये सारे जो है ना उन्हीं का। अच्छा ये हाँ ये छोटे छोटे पूरे 108 हैं। अच्छा ओके, तो 108 शिवलिंग पूजन किए जाते हैं। 108 शिवलिंग पूजा, तो इसको कहते हैं रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन। बच्चों का अलग ही चल रहा है। मम्मी चाची और कुनाली को ड्रॉप कर दिया है, अब चलते सीधा घर। गाइस पीयूष आपको एक टिप देना चाहेगा, अगर आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, अगर आप भी पीयूष की एज के बच्चे हो तो पीयूष क्या करना चाहेगा बता? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स को बताओ कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है, एंड उनसे एडवाइस वगैरह लो कि कैसे कर सकते हैं हम, और स्टार्ट करो धीरे धीरे, एंड मतलब जितना हो सके डेली वीडियोस डालो और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो जैसे मैं करता हूँ साथ ही साथ। बस यही था। तो अगर आप भी बच्चे हो, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, फिर यूट्यूब करना है, तो आप कर सकते हो गाइस, कुछ भी गलत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा टाइम दो, एक घंटा दो घंटा टाइम दो, और एक्सप्लोर करते रहो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी, अगर आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो लोगों को एंटरटेन करो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करो, बस गलत चीजें मत जाना, जैसे कि गाली देना। गाली दोगे तो आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी आप गाली दोगे, या फिर ट्रोल करना, किसी को ट्रोल करोगे तो भी आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। जो भी नेचुरली आपके अंदर व्लॉग करना है या फिर कुछ भी आपको बनाना है, अब बनाओ, अब टेस्ट करते रहो। मैं तो बस यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिवली यूज करोगे आप, कुछ भी एज के हो, छोटे हो, बड़े हो, आप काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आज के टाइम पे पीयूष भी अपने चैनल से काफी अच्छा अर्न कर लेता है, काफी अच्छा, कि
भाई इसकी स्कूलिंग अच्छी हो जाए फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। तो ये काफी प्राउड की बात होती है हर पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स तो काफी प्राउड हैं। अगर आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है तो बस काम करो, फोकस करो चीजों में। फोकस करना जरूरी है अच्छी चीजों में, क्योंकि एट द एंड आप अपने लिए ही करोगे जो करोगे, या अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करोगे। हर कोई कर सकता है, अगर हम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। बस फोकस करना पड़ेगा आपको एक चीज पे, जो आपको करना है फोकस करना पड़ेगा। हर तरह की ऑडियंस है इंडिया में, आपको ढूंढना है बस। ये काम रोक क्यों रखा है अभी? अच्छा रेता खत्म बैठे हम लोग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे काम करने वालों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आते हैं। तो अभी स्टोर पे पहुंच गए, पतंजलि दूध बेस्ट बिस्कुट पूरा 100% आटा स्वर्द, अच्छे अच्छे खिलाएंगे हमारे कर्मचारियों को। नमकीन भी ले लेते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक फैंटा उठा ले। इधर डाल दे। हमारी सीमेंट भी आ चुकी है देखो सामने वाली गाड़ी में। अब हम करेंगे पार्टी। बड़ा वाला पैकेट है ना, बांट लेना। गाइस अभी काम रुका हुआ था बिकॉज अभी रेता आ रहा था ना, तो फाइनली रेता आ चुका है हमारा। पीयूष बांटते हुए सबको, और हमारा रेता भी आ चुका है। अब दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। दो 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 मशीन लगी हुई है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं। 40 बंदे 40 बंदे 40 बंदे लगे हैं। ये हमारे ठेकेदार साहब ऐसे ही काम कराओ, 40-40 बंदे लगा के 40 बंदे काम करेंगे तो जल्दी घर बन जाएगा हमारा। गाइस सिर्फ इतना सा बाकी है देखो, इतना सा जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, फिर यहाँ भी पूरा लेंटर लग जाएगा, फाइनली काम हो जाएगा कंप्लीट। दो 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 मशीन लगी हुई है। गाइस हमारे घर बनने में जितने भी लोग काम करें ना, ऐसी सबको पार्टी कराते रहते हैं हम। वीडियो में दिखाता, मैं आज पहली बार दिखाया, बट हम पार्टी कराते रहते हैं, कभी समोसे कभी क्या, तो सभी खुश रहते हैं। मस्त काम दोबारा शुरू हो चुका है, मस्त मशीन दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो भी गाइस हमारा एक फायदा हो गया, अभी हम गए थे स्टोर पे ना सामान लेने के लिए, इसका बिल देखो कितना है, 1700 कुछ बिल आया, और हमने ये लिए थे 2, उन्होंने गलती से 3 दे दिए, और बिल में भी 2 है, देखो 2 है यहाँ पे। अब एक वापस करने चलते हैं। वैसे गाइस रखने को हम रख भी सकते थे, उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने 3 दे दी गलती से, बट ऐसे नहीं रखने चाहिए, ईमानदारी के साथ में उनको वापस कर देने चाहिए। हम हमेशा ही कर देते हैं कुछ भी ऐसा हो ना, और अगर हम रख भी लेंगे तो हमारे इतने ही पैसे ना कहीं चले जाएंगे, ये हमेशा होता है। आप लोगों के साथ में भी होता है, कमेंट करते हैं अगर आपके हाथ में ऐसा होता है, कहीं आपको कुछ फ्री में मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में मुझे लगता है कहीं मुझे गिफ्ट मिलता है ना फ्री में, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, उतने पैसे मेरे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो जितना हम खुद से अर्न करते हैं ना उतना हमारे पास रहता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पैसे लगे जाते हैं, कहीं से हमको फ्री में मिले या फिर कहीं भी कुछ भी इस तरह से घपला उपला करें हम, कहीं कुछ भी करें। आप कमेंट करते हैं आप क्या सोचते हो। अब चलते हैं स्टोर पर वापस करने के लिए उनको एक। ये आपने 3 दे दिए शायद, इसमें 2 है। अच्छा अच्छा वो दोबारा दो, गलती से आया ना ये भी डाल दिया। मिशन ईमानदारी कंप्लीट, अब चलते हैं। मैंने और सामान ले लिया जो कि मैं भूल गया था, जैसे ही गया मुझे याद आ गया भाई मैं ये भी तो लेना है। फाइनली काम हो चुका है, हमारे घर का पहला लेंटर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं भी चलता हूँ सीधा घर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जिया जी घर पे, वहीं पे हमारा डिनर है। मम्मी चाची कुनाली वहीं पे, उनको लेके आएंगे डिनर करके आएंगे मस्त, वहीं पे प्रसाद लेके आएंगे, डिनर नहीं प्रसाद, आज प्रसाद बनाऊंगा। गाइस आज मुझे इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है ना, बिकॉज आज हमारा फर्स्ट लेंटर हो चुका है, मतलब पहली सीढ़ी हमारी हो चुकी है, इसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, पूरे 3 फ्लोर बनेंगे हमारे। जिया जी घर पे पहुंच गए, मम्मी जी यहाँ बैठी है, मेरा प्रसाद आ चुका है, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब एक में से खा लेते हैं, एक में से खा ले। अब जाने का टाइम आ चुका है, अलविदा करते हैं, फिर मिलते हैं। घर पहुंच चुके हैं, तो गाइस घर आ गए हैं, एडिटिंग करता हूँ फिलहाल, इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।